अरे मेरी क्ला, नीरव एंड अजिंक्य कैन डू वर्क इन 20 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली, सो दे आर 1 डेज वर्क विल राइट डायरेक्टली 1/20 एंड 1/15. नाउ व्हेन दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज, तो पहले तो 1/20 प्लस 1/15 ऐड करना पड़ेगा, तो क्या आएगा टोटल? 60 प्लस 4, 1/60, दिस इज 1 डे. ओके, तो 6 डेज वर्क इज, सर, इज दैट एन माइनस 20? वहां पर n-20, n इज इक्वल टू 20, तो ओके 6 डेज वर्क इज 7/60 × 6 विच इज 7/10. सो 7/10 इज वर्क डन. ओके, रिमेनिंग वर्क इज 3/10. नाउ दिस वर्क इज डन बाय होम? अजिंक्य इज रिप्लेस्ड बाय विपुल. इफ द वर्क वॉज फिनिश्ड इन नेक्स्ट 4 डेज, एंड नंबर ऑफ डेज इन विच विपुल अलोन कैन डू द वर्क इज हाउ मच? तो यहाँ पर क्या है, 1/20 तो हो गई, प्लस 1/विपुल, मतलब 1/VQ लिखा है क्योंकि नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय विपुल, इंटू 4 इज इक्वल टू 3/10. समझ में आया? समझ में आया स्टूडेंट्स? Y into 4, because the remaining work is completed in 4 days. Is this यस clear? सर, So then we get 1/20 plus 1/V is equal to 3/40. Understood? यस सर, So 1/ मतलब विपुल्स 1 day work is equal to 3/40 -1/20. 1/20 कैन बी रिटन एज 2/40, सो विपुल्स 1 day वर्क इज इक्वल टू हाउ मच? 1/40, टोटल नंबर ऑफ डेज. 30 डेज। हैज एवरीवन अंडरस्टूड दिस सम? यस सर, यस सर। हाँ सर, सर, हाउ डिड बोलिए. वी गेट 1/20 प्लस 1/V रेज टू 4? रेस टू 4 नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 4 है. उन्होंने क्या लिखा है, आफ्टर 6 डेज वर्क अजिंक्य इज रिप्लेस्ड बाय विपुल. ओके, एंड दे कंप्लीट द वर्क इन 4 डेज. तो वर्क रिमेनिंग वॉज हाउ मच? 3/10. अभी दोनों एक साथ काम करेंगे तो दोनों का नंबर ऑफ डेज ऐड हो जाएगा ना, 1/20 एंड 1/V. 1/V क्यों लिया है? V इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर विपुल, सो 1 day वर्क इज 1/V. एंड दिस टोटल वर्क व्हेन दे डू फॉर 4 डेज, दे कंप्लीट 3/10 ऑफ द वर्क. अंडरस्टूड? यस सर, सो दैट्स व्हाई 3/10 वहां लिखा है, एंड दूसरे साइड पे 1/20 प्लस 1/V × 1/4 लिखा है. ओके सर, गॉट इट। डन एवरीवन? अब एट अ पेट्रोल पंप एन ऑपरेटर गिव 9% लेस पेट्रोल, बट ही सेल्स इट एट 4% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर. व्हाट इज द प्रॉफिट इन द होल ट्रांजैक्शन? सो कंसिडर 1 लीटर पेट्रोल इज 104, नो 100 रुपीज, सॉरी. ओके, 1 लीटर इज हाउ मच? 1000 ml. सो 1000 ml इज सेलिंग एट हाउ मच? 100. दिस इज द कॉस्ट प्राइस, सॉरी नॉट सेलिंग, दिस इज द कॉस्ट प्राइस. ही इज सेलिंग हाउ मच लेस पेट्रोल?
9% लेस पेट्रोल, मतलब वो कितना पेट्रोल बेच रहा है? 991 ml सर। 991 होएगा क्या? नहीं, यस 9 ml सर। होएगा। 9% ऑफ ये नंबर फाइंड आउट करो कितना होता है। 90 हाँ तो 90 ml करोगे सर। ना आप? 910, नाइन 910 हाँ, तो मतलब इज सेलिंग एट 910 ml ऑफ पेट्रोल इज बीइंग सोल्ड एट 104 रुपीज, करेक्ट? यस और नो? डिड यू राइट 1000 ml इज इक्वल टू? यस सर। सी डोंट टॉक इन बिटवीन, ओके? डाउट है तो रेज योर हैंड, आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन यू, बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड हु इज टॉकिंग, व्हाट इज योर डाउट। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो सर बोलो, और या तो रेज हैंड करो, मुझे समझ आएगा नोटिफिकेशन, मैं आपको अलाउ करूंगा बात करने, वरना डाउट किसका है क्या है नहीं समझ आता है। ओके, नाउ नाउ टेल मी, 910 ml का कॉस्ट प्राइस कितना है? सर 91 rupees। वेरी गुड, बिकॉज 1000 ml इज बींग सोल्ड एट 100, सॉरी कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ml इज 100, तो 910 का कितना होगा? 91 रुपीज। समझ में आया क्या सबको? यस सर। सेलिंग प्राइस ऑफ दिस इज हाउ मच? 910 ml, 104। प्रॉफिट इज इक्वल टू हाउ मच? 13 rupees। प्रॉफिट परसेंटेज इज हाउ मच? टेल मी, प्रॉफिट इज इक्वल टू 13 अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ, 14.28%। सो इट इज सेवन, सॉरी 13 अपॉन 91 इनटू 100 व्हिच इज 100 अपॉन 7 व्हिच इज 14 पॉइंट हाउ मच, 28 क्या? यू हैड सॉल्व इट और नाउ यू फिनिश सॉल्विंग? मैंने सॉल्व करने के बाद, नो, आई फिनिश सॉल्विंग नाउ। हाँ मतलब पहले क्लास के पहले सॉल्व नहीं किया है ना? नहीं सर, फर्स्ट टाइम सॉल्विंग। समझ में आया? 14.28 इज द प्रॉफिट परसेंट। यस सर। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, ओके? दिस इज द रोम्बस, सो वी नो दैट द साइड्स डिवाइड्स ईच अदर, द डायगोनल डिवाइड ईच अदर इनटू टू इक्वल पार्ट्स, पता है ये आपको? एंड दे मीट एट 90 डिग्री, एवरीवन नोज दिस? यस सर। सर। ओके, नाउ डायगनल्स आर इन द रेशियो दे हैव गिवन एज 3:4, करेक्ट? सो ए सी अपॉन बी डी इज इक्वल टू 3/4। ओके, अभी ये साइड क्या है, साइड ऑफ द रोम्बस कितना दिया है? 15। ओके ओके स्टूडेंट्स, यस सर।
सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू कंसिडर इज इंस्टेड ऑफ टेकिंग होल एसी, ओके यहाँ पर एसी अपॉन बीडी 3/4 दिया ना, तो हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे अभी ये रेशियो को। हम कंसिडर करेंगे ए ओ एंड बी ओ का रेशियो दिया है, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू 3/4। ओके तो ए ओ इज इक्वल टू 3x, बी ओ इज इक्वल टू 4x। ओके ओके स्टूडेंट्स, यस सर, यस सर। ओके पाइथागोरस थ्योरम पता है आपको? इज यस दिस दिस इज द यस राइट सर, एंगल ट्राइंगल यस सर, ए ओ या बी, सो यस सर, वी नो दैट ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू 15, ए ओ इज 3x, तो 9x² प्लस 16x² इज इक्वल टू 225, 25x² इज इक्वल टू 225, x² इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 3। ओके समझ में आया? सो ए ओ का वैल्यू कितना है? ए ओ इज इक्वल टू 9, बी ओ इज इक्वल टू 12। सो व्हाट आर द रिस्पेक्टिव डायगनल्स? ए सी इज इक्वल टू 18 एंड बी डी इज इक्वल टू 24। समझ में आया? यस सो यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया। हाँ यहां तक समझ में आया सबको? यस नाउ वी नीड टू फाइंड एरिया। सो एरिया ऑफ इज व्हाट? हाफ इनटू डायगनल 1 इनटू डायगनल 2, सो वी गेट 12 इनटू 18, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडरस्टूड? यस सर, हाउ डिड वी गेट द 9x² प्लस 16x² इक्वल्स 225। एओ का वैल्यू क्या है? 3x। बीओ का वैल्यू क्या है? 4x। एओ का स्क्वायर मतलब 3x² 9x² ओके सर, सर गॉट इट गॉट इट गॉट इट। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड। यस सर, यस हाँ सर, देखो अभी रिमेनिंग 6 सम्स एंड वो एक जो सम मैंने लास्ट पेपर में होमवर्क दिया है, ओके प्लीज ट्राई इट एज होमवर्क सो दैट नेक्स्ट क्लास इफ आई कंटिन्यू और द अदर्स आर कंटिन्यूस, होमवर्क सम्स जल्दी जल्दी डिस्कस करके नया पेपर स्टार्ट कर सकेंगे। ओके यस आई सर, होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड टुडेज क्लास, लाइक 2 आवर्स जो भी हमने किया, 2 आवर 15 मिनट्स। समझ में आया है सभी को? यस ओके सर, यस सर, चलो यस बाय सर, एंड गुड नाइट। बाय सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर, बाय थैंक यू। सर, थैंक यू।